गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ पर किसानों के बीच समर्थन के लिए पप्पू यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, ये बताइए किस दिशा में जा रहा है लॉक की स्थिति, तो दोबारा बन गई है ये भैया? नचनिया बजनिया सब के मार्फत इतना डरी और सहमी सरकार है, इतना खतरनाक सरकार जो डर गई हो, जो कील जो चीन का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, इसको इसका 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 बॉर्डर बना दिया। आप इसको आप देखो, अब इसको आतंकवादी और उग्रवादी नजर कोई नहीं आता। सर इसी चीज़ पर बताइए, आतंकवादी अब नजर आता है किसान? सर जहां एक तरफ किसानों से बात होनी चाहिए, किसानों के पास तक पहुंचना चाहिए सरकार को, लेकिन जो नैरेटिव है वो दूसरा बनाया जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं तो खालिस्तानी है, इसके पीछे क्या वजह? मुझे तो समझ में नहीं आता। फूट डालो शासन करने वाली जो ईस्ट इंडिया की रूल थी, इन्होंने पहले मराठी गुजराती मराठी गैर मराठी किया, फिर पटेल गैर पटेल गुजरात में किया, फिर जाट गैर जाट हरियाणा में किया, सिख गैर सिख किया, फिर ये बंगाली गैर बंगाली किया, पहले बीच में ये हिंदू मुसलमान किया, तब दलित गैर दलित किया, अब ये किसानों को आतंकवादी उन्मादी साजिश कौन रचे? हमेशा जब साजिश में ये कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने पैदा किया अपने साजिशकर्ता को, और जिसके माध्यम से आईटीओ पर ये ले गए, और हालात उन्होंने गाली दिलवाने की कोशिश जो दुनिया ने देख ली। आज लोकतंत्र में हर जगह विरोध इनका हो रहा है, पूरा दुनिया में लोकतंत्र बचाने सेव लोकतंत्र। सर इस तरह की बातें भी काफ़ी चर्चा में है कि 26 जनवरी के बाद से थोड़ा सा राजनीति एंगल भी घुस गया है इसमें। भैया 26 जनवरी को तो जिस तरीके से इन्होंने किया ना, पूरी दुनिया ने देखी है कि हालात क्या है। उसके बाद ये जो नचनिया बजनिया आज ट्वीट कर रहे हैं, इनके इश्क और मुश्क वाले, जिनका अपना कोई चरित्र ही नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, 180 किसान मर गए तब ट्वीट नहीं हुआ, जब 81 दिनों से किसान यहाँ बैठे हुए हैं तब ट्वीट नहीं हुआ। आप कंगना रनावत की बात कर रहे हैं सर? सब किधर है? जब सब की बात हम कर रहे हैं तो कंगना आंगना चंगना अंगना चंगना कंगना, अच्छा ये बताइए कौन चीज है चंगना कंगना? अच्छा ये बताइए सर, सब नचनिया बजनिया की बात हम कर रहे हैं। 26 जनवरी को जो भी हिंसा हुई उसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं सर? ये जिम्मेदार सरकार को, सरकार ने साजिश रची, आईटीओ में ले जाने का काम सरकार ने किया, दुकाने का काम सरकार ने किया, कोई राष्ट्रीय झंडा को छुआ क्या? का एक पंथ का झंडा आपने थोड़ा सा लगा है, एक पंथ की झंडे लगी आपने, तो पहले राजस्थान में झंडा लगा दिया था हाईकोर्ट पे। अब आगे क्या सर, क्या होगा अब आगे? क्या करो और मरो, 2900 रुपया कृषि को उद्योग का दर्जा, ये नचनिया बजनिया से डरेंगे? ये अमेरिका में जा करके बोला अब की बात ट्रंप सरकार, ये पाठ पढ़ा रहे हैं हैं? बात क्यों नहीं बन रही है बताइए, बात क्यों नहीं बन रही किसान और सरकार के बीच में? इससे घाटा तो सरकार को ही होता दिख रहा है। पूंजीपतियों को समझिए ना, पूंजीपति के की दलाली जब हम करेंगे तो किसानों का कहां से बात बनेगा? आप गरीबों की बात नहीं करोगे तो बात कहां से बनेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ यहाँ पर पप्पू यादव मौजूद थे, ये बता रहे थे कि सरकार जो जिस तरीके से जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है, जहाँ एक तरफ सरकार को चाहिए कि वो पहुँचे किसानों के बीच पहुँचे, किसान नेताओं से बात करे, लेकिन उसके उलट हो रहा है, तस्वीरें कुछ और आ रही हैं। यहाँ पर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उससे परेशानी कहीं ना कहीं सरकार को और किसानों को दोनों के बीच हो रही है। जो डेडलॉक की स्थिति है उस पर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की उसमें कोई नई चीज़ निकलकर सामने नहीं आई है। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन सरताज के साथ मैं काबिन चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।